हेलो दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी टॉप 20 करेंट जीके को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना है। तो आइए शुरू करते हैं इसे। तो पहला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार की विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए और उसके बैंक के खातों और मोबाइल फोन नंबर को आधार कार्ड से जोड़ने की अनिवार्यता को, जो कि 31 मार्च 2018 तक था, को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों, ये संविधान उत्तर है, संविधान पीठ के फैसला आने तक बढ़ा दिया है। ठीक है, तो जो संविधान की 5 सदस्य पीठ है उसने ऐसा फैसला लिया है। हालांकि बैंकों के साथ जो नए खाते खोले जाएंगे और उन सब उनके लिए ये अनिवार्य है। साथ ही जो पासपोर्ट का जो अगर आप आवेदन करते हैं तो उसमें भी जो है आधार कार्ड को अनिवार्य अभी किया गया है, वो जारी है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो दो नंबर में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 13 मार्च 2018 को टीबी मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को लॉन्च किया है और इसके तहत कब तक जो है इस बीमारी को मुक्त हो जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो वर्ष 2025 तक जो है भारत को टीवी मुक्त कर दिया जाएगा, ऐसा लक्ष्य किया गया है। ठीक है, और इसीलिए दोस्तों इस दिशा में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 साल के लिए जो है 12,000 करोड़ रुपए की राशि जो है स्वीकार की है। और देखिए, यह जो है इसके अलावा जो है यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है उसने भी जो है पूरे विश्व से जो है टीबी बीमारी को जो समाप्त करने के लिए लक्ष्य रखा है वो है 2030। तो ठीक है, 2030 तक रखा है। और देखिए, संक्रामक बीमारियों के होने वाली मौतों की जो बात करें तो भारत में जो है 2016 में 28 लाख जो टीबी मरीज थे जिसमें से 4 लाख लोग जो है मर चुके हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी है भयावहता एक तरह से। तो आइए नेक्स्ट देखिए, ये 3 नंबर में है कि 13 मार्च 2018 को अमेरिका के नए विदेश मंत्री किसे बनाया गया है। तो ये हैं, बनाए गए हैं CIA के निदेशक माइक पोम्पियो को बनाया गया है। देखिए दोस्तों, इनकी नियुक्ति जो हुई है ये हुआ है नॉर्थ कोरिया के साथ जो बैठक होने वाली है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनके साथ। तो उन्हीं के मद्देनज़र जो है CIA के निदेशक जो है माइक पोम्पियो को है जो बना दिया गया है। ठीक है, अब जो है अमेरिका के नए विदेश मंत्री हैं। अब आइए नेक्स्ट देखिए, तो ये चौथा है कि 13 मार्च 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किस सम्मेलन में जो है स्वास्थ्य मंत्रालय, जो कि भारत सरकार है, उसके बाद स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य संगठन का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का जो है कार्यालय, और तपेदिक रोको नामक एक संगठन ने ये इस आयोजन का मतलब सम्मेलन का आयोजन किया है। और इस सम्मेलन में जो है एशिया अफ्रीका के जो है 20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और जो है भारत के जो है सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। साथ ही WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो है महानिदेशक ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया है। तो यह सम्मेलन कौन सा सम्मेलन है दोस्तों? ये जो टीबी मुक्त भारत अभियान है, इसी सम्मेलन में इतने लोगों ने, इतने संगठन ने जो है हिस्सा लिया है 13 मार्च को, जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 5 नंबर में कि अपने 5 दिवसीय यात्रा के तहत जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के 50वें स्वाधीनता समारोह में जो है मुख्य अतिथि के रूप में जो है हिस्सा लिया है। तो ये मॉरिशस है। ठीक है, तो मॉरिशस के समारोह में इन्होंने हिस्सा लिया है। और देखिए, इन्होंने जो है राष्ट्रपति ने जो पेशकश किया है 10,000 करोड़ रुपये डॉलर ऋण का, जो कि खर्च होने वाले हैं मॉरिशस के रक्षा उपकरण की खरीद के लिए, तो उन्होंने पेशकश किया है। ठीक है, अब देखिए मॉरिशस के जो राष्ट्रपति कौन है, तो ये हैं राष्ट्रपति अभी हैं वर्तमान में प्रविंद्र जगनॉथ। ठीक है, तो ये हैं। और देखिए, ये मॉरिशस की जो राजधानी है वो है पोर्ट लुई। ठीक है, तो पोर्ट लुई है। तो 3-4 तरह के यहाँ बात जो है आपको ध्यान रखना है कि इसकी राजधानी, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुईस है। और अभी जो वर्तमान में जो है राष्ट्रपति हैं प्रविंद्र जगनॉथ हैं। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट देखिए, तो 6 नंबर में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ मिलकर जो है साथ में जो है वाराणसी से ही
मिर्जापुर के 100 मेगावाट सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है। तो वे राष्ट्रपति कौन है, किस देश के हैं? तो ये उत्तर है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रॉन। ठीक है, तो ये हैं मैक्रॉन हैं जिन्होंने मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है ये किया है। और देखिए दोस्तों, ये जो है आए हुए हैं जो सोलर, प्रथम सोलर जो सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में, उसी सिलसिले में ये भारत आए हुए हैं। ठीक है, और भारत और फ्रांस के ही पहल पर इस तरह का सम्मेलन जो है पहली बार आयोजित किया गया है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 7 नंबर में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 13 मार्च 2018 को काशी से जो है कहां तक के लिए एक जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को जो है शुरू किया है। तो ये उत्तर है पटना तक, यानी काशी जो कि एक भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, और वहाँ से पटना के लिए जो है जन शताब्दी एक्सप्रेस को शुरू किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है काशी के लिए 800 करोड़ रुपये की योजना को जो स्वीकार किया गया है, जो कि काशी के विकास के लिए यानी कि वाराणसी के विकास के लिए जो है खर्च की जाएगी। अब देखिए 8 नंबर में है कि भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर लगाम कसने के लिए से संबंधित बिल है, भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक 2018 को लोकसभा में कब पेश किया गया? तो 13 मार्च 2018 को पेश किया गया। ये दोस्तों नीरव मोदी हैं, उसके अलावा जो चौकसी हैं उनके जो अंकल हैं और विजय माल्या हैं, तो इन लोगों को पकड़ने के लिए जो है इस तरह का जो है विधेयक जो है लाया गया है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 9 नंबर में कि पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन में जिसमें कि 45 देशों ने हिस्सा लिया था, और जिसमें दिल्ली एजेंडे हो जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली एजेंडे को जो है 45 देशों के सही जो है एक टोटल जो है 62 देशों ने जो मंजूरी प्रदान किया है। ठीक है, तो इस सम्मेलन में जो है विश्व के सामने जिस मंदिर की कृति रखी गई थी, यानी एक मंदिर का जो है कृति को रखा गया था फोकस में, तो वह कौन सा मंदिर है? ठीक है, तो उत्तर है वह है मढ़ोड़ा का जो है, ये मढ़ोड़ा सूर्य मंदिर है, उसी की प्रतिकृति जो है रखी गई थी। तो ये जो प्रतिकृति है ये रखी गई थी। तो दोस्तों ये देखिए मढ़ोड़ा जो मंदिर है, इससे जुड़े हुए कुछ खास और इम्पोर्टेंट बातें जानने से पहले आप थोड़ा सा ये जान लीजिए कि जो इसके जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन है, तो इसकी शुरुआत जो हुआ था, शुरुआत की जो बात जो पहल हुई थी, ये 30 नवंबर 2015 को जो है संयुक्त राष्ट्र के जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत और फ्रांस ने ही इसकी शुरुआत की बात की थी। ठीक है, अब है कि ये जो मढ़ोड़ा सूर्य मंदिर है एक्चुअली कहाँ, एक्चुअली जो है ये बनाया गया है 11वीं सदी में बनाया गया, और एक कर्क रेखा पर है, ईरानी शैली में बनाया गया है ये मंदिर मढ़ोड़ा मंदिर, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन का जो हुआ है सम्मेलन, तो ये मकर और कर्क रेखा के बीच जो 121 मकर जो रेखा है और कर्क रेखा जो है, तो उसके बीच में जो 121 देश हैं लगभग। ठीक है, तो 121 देश हैं, और उनमें से ही जो 62 देश ने जो है इस गठबंधन पर जो एजेंडा है, दिल्ली एजेंडा है, उस पर इसमें शामिल हो गया है, और 32 देशों ने जो है फ्रेम वर्क पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तो आइए नेक्स्ट देखिए, ये है हाल ही में जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF ने अपनी स्थापना दिवस को मनाया है। तो 49वां स्थापना दिवस जो है वो उसने जो है जस्ट अब उसने मनाया है। अभी 11 नंबर में है कि 10 मार्च 2018 को भारतीय रेलवे ने एक घोषणा किया है कि अपना कन्फर्म आरक्षित टिकट किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करने के लिए 24 घंटे पहले एडवांस नोटिस यानी कि जो लिखित आवेदन के रूप में होगा देने पर किया जा सकेगा, यानी कि ठीक है कन्फर्म टिकट को किन व्यक्तियों को हस्तांतरित किया जा सकेगा। तो जो फैसला हुआ यानी कि मान लीजिए आपके परिवार के कोई व्यक्ति हैं और वे ट्रेवल करना चाह रहे थे लेकिन नहीं किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो दूसरे व्यक्ति नहीं जा सकते थे। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने ये घोषणा किया है। तो परिवार के किसी भी जो उत्तर में देख रहे हैं कि परिवार के जो अपने सदस्य में जो है बेटा है बेटी है और माता पिता को जो है टिकट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है 24 घंटे पहले, लिखित आवेदन देना होगा उसके लिए, और जो मुख्य जो पदाधिकारी होंगे इसके लिए जो नियुक्त पदाधिकारी को उनके पास देना होगा। उसके बाद देखिए सरकारी जो कर्मचारी रहेंगे
वो अपने अन्य कर्मचारी को, अपने ही डिपार्टमेंट के किसी कर्मचारी को जो है टिकट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जो एनसीसी के जो कैडेट होते हैं वे भी अपना टिकट जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं कैडेट अपने कैडेट दोस्तों के बीच में। फिर किसी शैक्षणिक संस्थान के जो छात्र हैं वे लोग भी जो हैं अपना टिकट को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब देखिए बाराती समूह यानी जिनके नाम से जो अलॉट करवाएंगे ठीक है वो पूरे बोगी में या ट्रेन के लिए जो बाराती समूह के लिए जो कि कभी कभी पूरा कोची बाराती का होता है, तो उन समूह में अगर जो बुक कर जो जिन्होंने बुक किया है वे चाहेंगे तो किसी अन्य टिकट को है किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ठीक है तो आवेदन देने के बाद। तो अब आइए देखिए नेक्स्ट है कि 12 नंबर में कि जब उच्चतम न्यायालय ने जो है इच्छा मृत्यु जिसको राइट टू लिविंग विल भी कहा जा रहा है मतलब है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं राइट टू लिविंग विल, तो को कब मंजूरी प्रदान किया गया, तो ये 9 मार्च 2018 को प्रदान किया गया है ये। और इससे जुड़ा हुआ ये बात है कि दोस्तों जो संविधान की पीठ थी 5 सदस्यों वाली जो कि दीपक मिश्रा के नेतृत्व में था, उनका कहना था कि आर्टिकल जो है 21 जो है आर्टिकल 21 के तहत अगर जीने का अधिकार है तो जो मनुष्य है उनको मरने का भी अधिकार है ठीक है। और इस तरह का फैसला जो ये फैसला रुका हुआ था जो कि 11 अक्टूबर 2017 को ही सुरक्षित कर लिया गया था ठीक है संविधान पीठ के द्वारा। और इस मतलब एक केस हुआ था यानी रिट याचिका दाखिल की गई थी वो एनजीओ का नाम है कॉमन काउज, तो कॉमन काउज द्वारा जो है याचिका दाखिल किया गया था और यही आया है ठीक है। अब इच्छा मृत्यु के ऊपर जो है उनको मतलब लेकिन कुछ विशेष कंडीशन है उसका जो है कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसका व्याख्या कर दिया है ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं तो 13 नंबर में कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर एनडीए और पीडीपी ठीक है जो कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है के कोटे से केंद्र में शामिल मंत्रियों ने जो इस्तीफा दे दिया, वे कौन है, तो गजपति राजू हैं और YS चौधरी हैं जिन्होंने जो है आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए नहीं देने के कारण जो है इन दोनों ने जो है मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। बदले में जो है एनडीए ग्रुप के जो है राज्य में आंध्र प्रदेश के जो वहाँ जो मंत्री हैं उन्होंने भी जो है मुख्यमंत्री के सामने जो है अपना जो इस्तीफा पेश कर दिया है, तो बदला बदली हुआ है यानी कि केंद्र में पीडीपी के मंत्री ने दिया है तो फिर राज्य में जो है जो बीजेपी के मंत्री ने जो इस्तीफा दिया है। अब देखिए 14 नंबर में कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है, तो ये बनाए गए हैं 48 वर्षीय हैं विप्लव देव, पहली बार ही बने हैं और और इनको बनाया गया है चूँकि ये जनसंघ से जुड़े हुए हैं और साथ ही विष्णु देव बर्मन को बनाया गया उप मुख्यमंत्री, तो ये है ठीक है। अब देखिए त्रिपुरा में जो है 43 सीट इन्होंने जीता था संयुक्त रूप से, इसमें से अकेले 35 सीट जो है बीजेपी ने ही जीत लिया था, तो इसलिए ठीक है। अब आइए और यहाँ 25 वर्ष से जो था जो वाम दलों का जो है सत्ता था ठीक है इसको उखाड़ फेंका है बीजेपी ने। अब आइए नेक्स्ट देखिए 15 नंबर में कि नागालैंड में जो है 8 मार्च 2018 को चौथी बार किसने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है, तो ये हैं नेफ्यू रियो ने जो कि है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के जो हैं ये नेता हैं और इन्होंने जो चौथी बार जो है नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। अब देखिए हालांकि देखिए इनके बारे में कि जो वहाँ के जो राज्यपाल है पीवी आचार्य ने जो है दिया है उनको 16 मार्च तक दिया है मौका कि अपना जो है बहुमत साबित करें ठीक है। अब 16 नंबर में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत जो है 11 मार्च 2018 को कहाँ से किया है, तो ये झुंझुन जो है कि राजस्थान में है तो वहाँ से राष्ट्रीय पोषण मिशन की जो है शुरुआत नरेंद्र मोदी ने किया है। अब दोस्तों इससे जुड़ा हुआ कुछ एक और खास बात बता देता हूँ कि देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो है जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था ठीक है, जो कि 161 जिलों से में लागू था जिसको बढ़ाकर जो है पूरे देश के जितने देश में जो 640 जिले हैं उस सब में अब ये चलेगा, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहले 161 जिले में ही कार्यान्वित था ठीक है। अब भाई नेक्स्ट देखिए तो ये 17 नंबर में कि अभी हाल ही में जो है बांग्लादेश के किस पूर्व प्रधानमंत्री को जो है भ्रष्टाचार के एक मामले में 5 साल की सज़ा जो है दिया गया है, तो ये खालिदा पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया हैं तो इनको मिला है। अब देखिए ये
जो है बांग्लादेश के जो नेशनलिस्ट पार्टी के जो है प्रमुख भी हैं, और विशेष अदालत ने जो है अनाथालय ट्रस्ट को जो है मिले $2,02,000 के गबन में जो है इसको इनको सज़ा मिला है। इसके अलावा जो है उनके पुत्र तारिक रहमान सहित 3-4 लोगों को जो है 10-10 साल की जो है सज़ा दिया गया है। अब देखिए 18 नंबर में है कि फरवरी 2018 में दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है, तो ये सिरिल रामाफोसा को चुना गया है। जैकब जुमा थे पहले राष्ट्रपति, तो उन पर भ्रष्टाचार का जो था आरोप, उनकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया और जो है चुने गए हैं सिरिल रामाफोसा को साउथ अफ्रीका का नया राष्ट्रपति। अब 19 नंबर में है कि मैक्सिको में आयोजित हुआ था ISSF विश्व कप, ये निशानेबाजी की प्रतियोगिता है, और जिसमें कि जो है 50 मीटर राइफल 3 के पोजीशन में जो है किसने चौथे चरण में जो है स्वर्ण पदक जीता है, तो अखिल सियोरॉन है, तो अखिल सियोरॉन ने जीता है ये स्वर्ण पदक। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो 20 नंबर में है कि 22 फरवरी 2018 को किस देश ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के अवसर पर जो है उत्सव का आयोजन किया है, तो ये है भूटान। तो भूटान के जो है भारत के साथ 50 साल के राजनयिक संबंध हो चुके हैं, तो इसलिए इन्होंने किया है। और इस सम्मेलन में जो है ये उत्सव जो था जो दूतावास में दिल्ली में जो दूतावास वहीं इसका आयोजन किया गया था, और इसमें सुषमा स्वराज ने जो हिस्सा लिया है। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें, मुझे सजेशन दें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।